नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा शर्मा आपकी दोस्त। फ्रेंड्स, हमारा ये शो पंडित जी कहें वास्तु बेस्ड शो है, जिसमें हम वास्तु से जुड़ी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं और जो आपकी ज़िंदगी में जुड़ी हर परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे वास्तु एक्सपर्ट कमलनंद लाल जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नेहा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया पंडित जी। दर्शकों नमस्कार और आपका हार्दिक अभिनंदन, वेलकम आपका। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं पंडित जी से घर के टेरेस यानी कि छत की। तो पंडित जी हमें ये बताइए कि जो घर की छत है या टेरेस है उससे कैसे वास्तु दोष जो है वो उत्पन्न हो सकता है? देखिए नेहा, हम समय समय पर डिस्कस करते आए हैं और दर्शकों को भी हम यही बताते आए, कोई ऐसी जगह नहीं है जो वास्तु से कनेक्शन ना रखती हो। जहां कोई भी वस्तु है वहां वास्तु जरूर है। तो हमें एक चीज समझनी होगी कि टेरेस का क्या रोल है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा, छत अगर किसी व्यक्ति की ठीक नहीं है तो उसकी लाइफ में बहुत सारे वास्तु डिफेक्ट्स पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ भी, उसकी वेल्थ भी और उसका एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती हैं। अगर वास्तु छत का ठीक नहीं है और छत एक लेवल पे नहीं है तो जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अकस्मात हानियों की, नंबर एक। दूसरी प्रॉब्लम आती है अकस्मात कुछ ऐसी बीमारियों से घर कर जाता है व्यक्ति, उस घर का मालिक भी और उस घर के बच्चे भी और परिवार में हर रहने वाला, कि वो कुछ अननोन, जिसे हम PUK डिजीजेस कहते हैं, PUK अननोन डिजीजेस, जैसे तपेदिक, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जैसे किसी भी तरीके का ऐसा फोड़ा जिसके अंदर पस का एक्युमुलेशन हो जाए, कुछ ऐसे डिजीजेस जो बहुत लेट स्टेज में जाके पता लगती है, जैसे ट्यूमर, ये राहु के डिजीजेस हैं। ये आदमी इससे घिरना शुरू हो जाता है अगर घर की छत में प्रॉब्लम हो तो, या उसका बहुत सारा पैसा, जैसे अपन कहते हैं ना हवा में छू मंतर हो गया, यानी कि किसी भी चीज़ में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है अगर घर की छत ठीक ना हो तो। घर की छत ठीक कब नहीं होती है ये हम दर्शकों से हम बताना चाहेंगे, जब छत अनइवन ना हो, उसमें स्टेप्स हों अलग अलग, तो वहाँ पर छत जो है अगर अनइवन है और वो ठीक ढंग से नहीं बनी हुई है या ऊपर नीचे है, जैसे पुराने घर होते हैं, किसी ने एक घर लेके दूसरा घर बना लिया तो उसके अंदर बीच में एक स्टेप आ गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है वास्तु के अनुसार। जी, तो इसका क्या उपाय भी आप हमें बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा उपाय है। देखिए सबसे पहले अगर आपके खर्चे की बहुत ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन हाँ आप नियमित रूप से हफ्ते का एक दिन बांध लीजिए, स्पेसिफिकली सैटरडे, जिस दिन आप छत को झाड़ू से साफ कर सकें और उसे कम से कम पानी से साफ कर सकें, कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ पानी से झाड़ू लगा करके और जितने भी वहाँ पर पत्ते वगैरह हैं वो आप साफ करें। नंबर एक, राहु को ठीक करने के लिए, राहु के वास्तु दोष ठीक करने के लिए छत पर अगर आप पोछा लगा सकते हैं नील और नमक का, वो आप ज़रूर लगाएं। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए कि छत पर क्या नहीं होना चाहिए। छत पर किसी भी तरीके का जंग लगा हुआ सामान ना हो अक्सर, क्योंकि जितनी भी हमारी ग्रिल्स होती हैं उनमें जंग लगा हुआ होता है, तो छत पे कोशिश ये करें कि कोई भी जंग लगा हुआ सामान ना हो। जैसे कि मैंने देखा है पंडित जी, बहुत से लोगों ने जो अपने घर का कबाड़ है हाँ, वही छत पे जमा किया होता तो है। वो राहु की प्लेसमेंट ही है जी। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, 12वां भाव केतु के लिए है, छत केतु का स्थान है, वहां पर हम अगर राहु को प्लेस कर देंगे, कबाड़ को प्लेस कर देंगे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी फाइनेंशियली और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिश्ते भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जिनकी घर की छत ठीक नहीं होती है वहाँ की स्त्री और पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, क्योंकि राहु वहाँ पर एक बहुत बुरा काम करता है। 12वां भाव जो है वो बिस्तर से कनेक्शन भी रखता है, वहाँ पे राहु का आ जाना मतलब अपने जीवन साथी से खुशी ना मिलना। तो आदमी वो खुशी कहाँ से ढूंढेगा? बाहर से ढूंढेगा। जिनके घरों की छत साफ नहीं होती है वहाँ पर ये देखा जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को टालने के लिए नियमित रूप से अपनी छत को साफ रखें, कबाड़ अटाला छत पे बिल्कुल ना रखें, उसके लिए स्टोर रूम निश्चित जगह की जाती है जहाँ पर अंधेरा हो। अगर स्टोर रूम में भी अगर रोशनी होती है तो वो भी वास्तु डिफेक्ट की काउंटिंग में आता है। जी पंडित जी, मैंने देखा है कई लोगों के घर की छत में दरारें होती हैं जी, तो क्या ये भी वास्तु का? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके घर की छत टपक रही है जी तो बहुत बड़ा ये वास्तु दोष है, और इसका मतलब ये होता है कि आपका जो केतु है, आपके चार्ट का केतु है, यानी कि लॉसेस जो हैं वो टपक रहे हैं आपके, और आपका जो चंद्रमा अगर टपकना शुरू होता है
आपका आर्थिक सिचुएशन अगर टपकना शुरू होती है तो आपका पैसा आपके घर में रुक नहीं पाएगा। तो छत एकदम प्लेन हो, साफ हो, उसमें दरारें ना हो और छत बरसात में टपकती ना हो, ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे और पंडित जी से सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।